थके भी दिख रहे हैं, क्या चुनाव में कन्वेंसिंग में होता है? अब हेलीकॉप्टर से तो मैं आया नहीं यहाँ पर उनकी तरह दो बार, मैं तो मैन टू मैन, पीपल टू पीपल, डोर टू डोर मैंने कन्वेंसिंग की, और जहाँ नहीं पहुँच पाए वहाँ धन्यवाद के लिए जाएंगे। बहुत अच्छा वातावरण है, लोगों ने ये चुनाव अपने हाथ में ले लिया है, अब मेरे हाथ से निकल गया है। लोगों ने कहा सब एसपी सिंह बघेल बन गए हैं, क्योंकि वो कहते हैं हम बारूद तो थे, तोप नहीं मिली थी, तो तोप मिल गई है, तो तोप कुछ नहीं होती, लोहा होती है, वो दिशा और दशा तय करती है, तो निशाना बिल्कुल सही लग रहा है। और जनता को अपने 50 साल के उत्पीड़न का एक अवसर मिला है, मुझे लगता है वो खो नहीं रहे। मुझे तो एक गांव में एक व्यक्ति ने यह कहा कि अगर आज हम अखिलेश यादव को हरा देंगे तो 20 साल बाद हमारे नाती कहेंगे कि जिस सेफी का किला गिरा था तो हमारे बाबा ने भी कुछ ईंटें उखाड़ी थी, और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो 20 साल बाद भी हमको ये गाली मिलेंगी जब किसी लड़की का दुपट्टा छिनेगा, प्लॉट पर कब्जा होगा या किसी का अपहरण होगा कि 2022 में आपने कमजोरी दिखाई, इसकी वजह से ये हमें बसीयत में आप आतंक भी देके जा रहे हैं। क्या मजेदार बात कही उस व्यक्ति ने। लेकिन आपको लग रहा आपके कॉन्फिडेंस की इतनी वजह क्या है? मैं जब पूरे रास्ते आ रहा था तो मुझे बीजेपी का झंडा तो दिखा नहीं, सिर्फ सपा के झंडे दिखे। हाँ, वो है ना कि एक शेर है कि कह रही है इशारों में आसमानी हलचल कि हम जल्द कोई खामोश इनकलाब देखेंगे, तो नंदीग्राम में भी नहीं लगने नहीं देते थे, रात में उखाड़ देते थे। तो ठीक है, सरकार हमारी है, लेकिन आप ही यादव लैंड कह रहे हैं, तो वो जो उनकी प्रकृति है और जो उनका तरीका है, जो उन्होंने एक बार यहाँ पर मैनपुरी में 6 महीने में 3 लोकसभा चुनाव करा दिए, मरे नहीं, इस्तीफा दिया तो बाई इलेक्शन हुआ, और बाई इलेक्शन में इतना बूथ कैप्चर हुआ कि उसका भी बाई इलेक्शन हुआ, तो इनको शर्म आनी चाहिए कि लोकतंत्र के काले इतिहास में मैनपुरी लिखा जाएगा जिसमें 3 चुनाव 6 महीने में पार्लियामेंट के बूथ कैप्चर हिंसा और हत्या से हुआ है। लेकिन बघेल साहब, आपको बिल्कुल आखिरी वक्त पर आप उतरे, मतलब किसी को मालूम नहीं चला और आप उतरे, आपको लग रहा है कि आपका चुनाव बहुत बेहतर स्थिति में है, लेकिन जो अगर सामाजिक समीकरण देखें तो बहुत टफ है? एक्चुअली लाभार्थियों ने भी चुनाव को जिताने का काम कर रहे हैं। मोदी जी की जो कल्याणकारी योजनाएं उनको, और योगी जी का जो लॉ एंड ऑर्डर है।